गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एनाफिजियो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। देखिए, मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई कैसे ये फूड को आगे जो है वो प्रोपेल करता है। अब इसकी मोटिलिटी का सेकेंड पार्ट आता है स्वेलोइंग, जिसमें अपन फूड को निगल रहे होते हैं। स्वेलोइंग क्या है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन मुँह से स्टमक तक, मुंह से स्टमक तक जो आप फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें तीन फेजेस आती हैं। एक्चुअली ये फेजेस वगैरह मैंने पहले करवाई नहीं थी, इसलिए मुझे इस क्लास के अंदर ये चीज़ें बतानी पड़ रही है। तो आप ये मत सोचिएगा कि डाइजेस्ट सिस्टम वापस रिपीट हो रहा है, एक्चुअली रिपीट नहीं हो रहा। कुछ जो पोर्शंस, कुछ जो पॉइंट्स अपन ने पहले डिस्कस नहीं किए थे, वही पॉइंट्स अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे स्वेलोइंग जीआईटी मोटिलिटी का पार्ट है, जिसमें फूड मुँह से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें तीन फेजेस या तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है बकल फेज, जिसमें फूड जो है वो मुंह से फेरिंग्स में पीछे की तरफ धकेला जाता है, मुंह से पीछे की तरफ फेरिंग्स में धकेल दिया जाता है। ये बकल फेज होती है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट दोनों दिख रही हैं। ये टंग है, ये बोलस फूड का वो फर्स्ट जो आप चबा लेते हो, वो जो पार्ट फूड का बनता है चबाने के बाद, सलाइवा मिलने के बाद, वो बोलस है। जो कि ये यहाँ एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, लैरिंग्स दिखाया गया है, ये टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड अपर इसोफेजल स्फिंक्टर दिखाए गए हैं। टंग जो होती है वो इस बोलस को सॉफ्ट पैलेट के अगेंस्ट पुश करती है माउथ के बैक पार्ट में। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स यहाँ पे शुरू होता है। तो ये बकल फेज हुई। दूसरी स्वेलोइंग की फेज़ है फेरिंजियल फेज़। इसमें फूड जो है वो फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है। बकल फेज में तो मुंह से गया फेरिंग्स तक, और फेरिंजियल फेज में फेरिंग से ईसोफेगस तक गया। ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है एपिग्लॉटिस, सेकंड में अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, जबकि एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है ताकि स्वेलोड मटेरियल जो है वो एयर वे में ना चला जाए, सिर्फ मुँह में ही, मुंह के रास्ते से ही आगे स्टमक में जाए, इसलिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। थर्ड फेज है ईसोफेजियल फेज। इसमें फूड पास होता है ईसोफेगस से स्टमक तक, पहले बक्कल से फेरिंग्स, फिर फेरिंग से ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस से स्टमक तक। पेरिस्टैटिक मूवमेंट के द्वारा ये फूड का मूवमेंट चल रहा होता है। इसमें फूड मूव होता है डाउनवर्ड ईसोफेगस में, इसको पैरिस्टैटिक वेव्स आगे लेकर के जाती हैं, जो कि ग्रेविटी का भी इसके अंदर रोल होता है, एडेड बाय ग्रेविटी। तो ये मोटिलिटी थी जीआईटी की। अब दूसरी इसी में आता है मोटिलिटी ऑफ ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की मोटिलिटी देखिए भाई, ईसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, जिसमें दो स्फिंक्टर्स लगे रहते हैं, अपर ईसोफेजल स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। अपर स्फिंक्टर जो है वो एयर को जीआईटी में घुसने से रोकते हैं, जबकि लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर गैस्ट्रिक कंटेंट को वापस ईसोफेगस में जाने से रोकते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट मतलब जो स्टमक के अंदर जो मटेरियल है, स्टमक के गैस्ट्रिक कंटेंट को स्टमक से वापस ईसोफेगस में जाने से रोकने का काम ये लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर होता है। ईसोफेजियल पैरिस्टासिस जो है वो स्विप डाउन होता है ईसोफेगस में, मतलब फिसलता हुआ फूड इस तरह से जा रहा होता है। तो ये ऊपर एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस अप दिखाया गया, ये ग्लॉटिस डाउन एंड ओपन यहाँ पे नीचे गया, ये ओपन हुआ, ये ईसोफेगल स्फिंक्टर अब क्लोज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि फूड अंदर चला गया है। ये रिलैक्स्ड मसल्स है, ऊपर क्लोज कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, ये रिलैक्स्ड मसल है, नीचे फिर कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, फिर ये फूड आगे जाए, फिर रिलैक्स मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरह से पैरास्टैटिक मूवमेंट चलता है। और फिर जब स्टमक में आ जाता है तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं और फूड जो है अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे एंटर हो जाएगा तो वापस ये स्फिंक्टर्स क्लोज हो जाएंगे, ईसोफेजल स्फिंक्टर। तो ऊपर और नीचे दो स्फिंक्टर्स होते हैं ईसोफेगस के। अब थर्ड स्टमक की मोटिलिटी, भाई ईसोफेगस हो गया, पहले तो मुंह से चला गया फूड, आपने खाना खाया, वो मुंह से गया, ईसोफेगस होता हुआ स्टमक में गया। अब स्टमक की मोटिलिटी देखिए भाई, स्टमक में फंडस बॉडी और पाइलोरस तीन पार्ट होते हैं। फंडस बॉडी पाइलोरस, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, येलो पिंक और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर का दिखाया गया है पाइलोरस पार्ट इसका। यहाँ कार्डिक नोच दिखाई गई है, जिसको कार्डियल नोच भी कहते हैं। स्टमक की कार्डिक नोच है ये, ईसोफेगस जहाँ से कार्डिक में खुल रहा है। ये लेसर कर्वेचर स्टमक का, दूसरी साइड ग्रेटर कर्वेचर है, ये स्टमक का पार्ट
बताया गया है पूरा। अब इसमें प्रॉक्सिमल एरिया जिसको आप, जो कि फंडस और बॉडी का बना होता है, इसकी थिन वॉल होती है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और इनफ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट, वीकली और इनफ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें लार्ज वॉल्यूम का फूड पड़ा रहता है, फंडस और बॉडी में लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड पड़ा रहता है, यानी स्टोर होता है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के द्वारा। यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम फूड आता है और स्टोर भी रहता है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के द्वारा। फिर इसका डिस्टल एरिया जिसको आप पाइलोरस कहते हैं, इसकी थिक वॉल होती है, प्रॉक्सिमल एरिया की थिन वॉल होती है, डिस्टल की थिक वॉल होती है, और इसमें स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट पैरिस्टाटिक कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, जबकि ऊपर हमने कहा था कि वीकली इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट पैरिस्टाटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि फूड को मिक्स भी करते हैं और ड्यूडेनम में प्रोपेल भी करते हैं, ड्यूडेनम में धकेलते भी हैं, फूड को मिक्स करते हैं और ड्यूडेनम में धकेलते हैं। इसके अलावा डिस्टल एरिया जो है वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करवाता है ड्यूडेनम में, गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्यूडेनम में खाली करने का काम इस डिस्टल एरिया के लास्ट जो एरिया है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को ड्यूडेनम में खाली कर देता है, यानी सारे फूड को जो है ड्यूडेनम में भेज देगा। अब ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है स्टमक की मोटिलिटी को, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में तो ये क्लोज हुए हुए हैं, यहाँ पर देखो कैसे मूवमेंट चलता हुआ आ रहा है, फिर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मतलब स्लाइटली ओपन हुए, स्लाइटली क्यों, क्योंकि फूड थोड़े थोड़ा जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ऐसे बहुत सारा फूड एक साथ नहीं चला जाता या सारा सारा फूड एक साथ ड्यूडेनम में नहीं आता, धीरे धीरे करके जा रहा होता है। तो नीचे वाले डायग्राम में बताया गया है कि क्लोज है स्टमक का माउथ यानी पाइलोरस क्लोज है अभी, फिर ये पाइलोरिक वॉल्व क्लोज बताए गए हैं, फिर पाइलोरिक वॉल्व स्लोली ओपन हो गया और फूड जो है आगे मूव कर गया। ये गैस्ट्रिक पैरिस्टासिस है, गैस्ट्रिक पैरिस्टासिस दिखाया गया है। अब भाई स्टमक का भी हो गया, माउथ का, ईसोफेगस स्टमक हो गया, तो अब बची स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी मोटिलिटी देखिए, इसमें दो बेसिक मोटिलिटी पैटर्न्स पाए जाते हैं, पहला सेगमेंटेशन और दूसरा पैरिस्टासिस। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो मोटिलिटी है, मोटिलिटी मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाई है अपनी किसी भी क्लास में, हालांकि डाइजेस्ट सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिया था पर मोटिलिटी नहीं पढ़ाई थी, इसीलिए इस क्लास में पढ़ा रही हूँ आपको मोटिलिटी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो बेसिक मोटिलिटी पैटर्न पाए जाते हैं, सेगमेंटेशन पैरिस्टासिस। इसका फ़ायदा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी में के तीन फंक्शंस होते हैं, तीन तरह से सर्व्स करती है, कंटेंट को मिक्स करती है, एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करती है और कंटेंट को प्रोपेल करने का काम करती है। मिक्सिंग कंटेंट्स, कंटेंट को एंजाइम और दूसरे सिक्रीशंस के साथ में मिक्स करती है, जो कंटेंट आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से आया भाई, स्टमक से जो भी कंटेंट आया है फूड कंटेंट, उसको एंजाइम्स के साथ और दूसरे सिक्रीशंस के साथ में मिलाती है ताकि डाइजेशन हो सके प्रॉपरली, जो बचा हुआ डाइजेशन है उस फूड का हो सके। दूसरा, ये मैक्सिमाइज करती है कंटेंट के एक्सपोजर को, मेम्ब्रेन इंटेस्टाइन सेल की मेम्ब्रेन से एक्सपोज करवाती है ताकि उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो सके, डाइजेशन हो गया, अब बचा हुआ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होना है, इसलिए वो इंटेस्टाइन की वॉल के कॉन्टैक्ट में लेकर के आती है। और लास्ट प्रोपल्शन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट को लार्ज इंटेस्टाइन में धकेल दिया जाता है, प्रोपेल कर दिया जाता है। तो ये यही डायग्राम बता रहा है, स्टमक से कंटेंट ड्यूडेनम में आया, ड्यूडेनम से जेजेनम के अंदर गया, जेजेनम फिर इलियम, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन के, ये मेसेंट्री दिखाई गई और ये सीकम के अंदर खुलता है। ये जीआईटी में मोटिलिटी में पहली मोटिलिटी सेगमेंटेशन थी, दूसरी प्रोपल्शन थी, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसे फूड मिक्सिंग होता है, कटिंग होती है, फूड कट वट हो रहा होता है। तो इस डायग्राम को देखिए कि कैसे मूवमेंट इसका चल रहा है, डायग्राम को अच्छे से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी मोटिलिटी थी स्मॉल इंटेस्टाइन की पैरिस्टासिस, पैरिस्टासिस कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, कि आगे की तरफ जा रहा होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बोलस आगे गया, ये रिसीविंग सेगमेंट है, फिर आगे, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वो आगे बढ़ गया, तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑरेट से कॉर्डेड चल रहा है और चीज़ें आगे बढ़ रही है। अब लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन की मोटिलिटी, इसमें तीन तरह की मोटिलिटी है भाई, सेगमेंटेशन, मास मूवमेंट और डिफिकेशन। सेगमेंटेशन लार्ज इंटेस्टाइन में causes the contents to be continuously mixed, कि जो content है वो continuously mixed होता रहे, ये segmentation के motility के द्वारा होता है। mass movement में एक large intestine के एक segment से content जो है वो next downstream segment के अंदर propel कर दिया जाता है,
और थर्ड है डीफिकेशन, इसमें इनवॉल्यूंट्री रिफ्लेक्सेस और वॉल्यूंट्री रिफ्लेक्सेस दोनों चलते हैं, जिसमें कोलोनिक कंटेंट जो है एनल कैनाल के द्वारा बाहर खाली कर दिया जाता है, क्योंकि अब वेस्ट मटेरियल बचा और कुछ बचा ही नहीं। तो वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री दोनों रिफ्लेक्सेस चलते हैं, जिसमें कोलोनिक कंटेंट एनल कैनाल के द्वारा बाहर इवैक्यूएट कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, पार्ट दिखाया गया है भाई, सीकम, अपेंडिक्स, हिपैटिक फ्लेक्सर, या ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, इस साइड हिपैटिक फ्लेक्सर, उधर स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, या डिसेंडिंग कोलन है, टीनिया कोलिया, कोलाई सॉरी, हॉस्ट्रा, सिग्मोइड कोलन, ये इंटरनल एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स दिखाए गए हैं रेक्टम के बाद में। अब ये जीआईटी की मोटिलिटी का मोटर फंक्शन देखिए, मोटर फंक्शन यानी मोटिलिटी देखिए जीआईटी की। तो जीआईटी की मोटिलिटी जो सबसे पहली मोटिलिटी है वो माउथ में चल रही होती है। बच्चों थोड़ी सी स्लाइड जो है वो आगे पीछे हो गई, सबसे जो लास्ट में स्लाइड में पढ़ रहे हैं सबसे फर्स्ट स्लाइड है, पता नहीं कैसे आगे पीछे हो गई, मुझे नहीं पता, आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसको सबसे पहले पढ़िएगा आप मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, कि जो मोटिलिटी है वो माउथ में स्टार्ट होती है। दो तरह की मोटिलिटी होती है, पहली होती है च्यूइंग या मैस्टिकेशन और दूसरी होती है स्वेलोइंग, जो मैंने आपको पढ़ा दी थी। च्यूइंग या मैस्टिकेशन रिफ्लेक्स नेचर का होता है, इसमें फूड को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा जाता है ताकि इसको ईजिली स्वेलो किया जा सके। फिर फूड को सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम से एक्सपोज करवाया जाता है ताकि स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाए, और फिर डाइजेशन में हेल्प करता है ये सभी तरह के फूड के, स्पेशली सेल्यूलोज के डाइजेशन में, सेल्यूलोज कंटेनिंग फूड में जैसे वेजिटेबल्स वगैरह के अंदर डाइजेशन अच्छे से हो रहा होता है। तो ये फर्स्ट स्लाइड है बच्चों, मैं वापस रिपीट कर दूँ, ये फर्स्ट स्लाइड है जीआईटी मोटिलिटी की, जिसमें माउथ में मोटिलिटी चलती है। फर्स्ट मोटिलिटी च्यूइंग और मैस्टिकेशन, दूसरी है स्वेलोइंग। इसके बाद चलेगी ईसोफेगस की मोटिलिटी, देन ईसोफेगस स्वेलोइंग में ही हमने पढ़ा था भाई तीन तरह स्वेलो हो रही थी, मुंह से तो गया था, फैरिंग्स में, फैरिंग्स है ईसोफेगस में, ईसोफेगस है स्टमक में, फिर स्टमक की मोटिलिटी पढ़ी थी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन पे आप ख़त्म कर दीजिएगा, और ये वाली स्लाइड पहले पढ़ लीजिएगा जो गलती से पीछे आ गई है, ठीक है। आई थिंक इतना आप कर सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो आप, 9th 10th के बच्चे भी नहीं हो जो हमारे को वापस से बस समझाना पड़े, आपको समझ में आ गई होगी चीज़, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।